हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं आपके साथ एक नया अप्रोच के साथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड को स्टार्ट करना चाहता हूँ। सारे टॉपिक वाइज वीडियो तो मैंने बनाए भी हुए हैं और वो रेगुलर आपको मिलते भी हैं, पर उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट का ये फीडबैक था कई बार क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस नहीं बनते। तो अब से मैं आपको बोलूँगा कि रोज़ के 15 से 30 मिनट दीजिए, मैं आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड के स्किल्स को डेवलप करूंगा और उसमें भी हम वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए होंगे, या मॉडल क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका लॉजिक डेवलप हो। बिकॉज होता क्या है कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं उस समय तो हमें क्वेश्चन बनने लगते हैं, पर जब एग्जाम वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम कई बार नहीं कर पाते, क्योंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कई बार सॉल्व नहीं करते। तो इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, रेगुलर हेल्प करूंगा। टॉपिक वाइज वीडियो तो आपको रेगुलर मिलेंगे ही, पर साथ में एक हम 15 से 30 मिनट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक जनरल सेशन में लिया करूंगा। इसमें हर टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, हर तरह के क्वेश्चंस होंगे। फिर आप एसएससी की या बैंकिंग की या रेलवे की या यूपीएससी की या पीएससी की जिस भी कॉम्पिटेटिव कैट की, मैट की, जीआरई की, जीमैट की, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हर जगह यूज होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसके साथ भी एक बेसिक थ्योरी रिवाइज करता चलूंगा, तो आपको पता नहीं चलेगा पर इनडायरेक्टली आपकी रेगुलर हर टॉपिक का एक साइलेंट रिवीजन होता हुआ चलेगा जिससे आपके स्किल डेवलप होंगे। सेकंड, कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपने मेरा एक पैटर्न देखा है पढ़ाने का, टफ से टफ चीज़ को भी मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा सकता हूँ, तो आपको टफ क्वेश्चन भी बहुत सिंपल लगेंगे और धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो मेरा सेशन होगा ये बिल्कुल जनरल होगा, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करेंगे। ट्राई करूंगा कि कम से कम टाइम में मेंटली आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकें। थ्योरी पे भी वर्क करूंगा पर डिटेल थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। तो अगर जैसे सपोज मैंने अभी एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लिखा है, इसका बेसिक बताऊंगा पर फिर भी क्लियर ना हो तो मैं बोलूंगा आप ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो पे जा सकते हैं। या सपोज टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बता रहा हूं, बेसिक थ्योरी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा पर नहीं बनता है तो टाइम एंड वर्क की थ्योरी पे जाएं। तो अब हम टू एंड से स्टडी करेंगे, एक एंड होगा हमारा टॉपिक वाइज पढ़ना, जिनके साथ टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ने के साथ क्वेश्चन, और एक एंड होगा हम मिक्स पढ़ाई करें, पूरा क्वांट का एक साथ पढ़ाई करें, एक साथ क्वेश्चन करें, और स्पेशली वो क्वेश्चन करें जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए और क्विक तरीके से करें जिससे हम एग्जाम्स में अपना कॉन्फिडेंस या स्कोर अच्छे से अच्छा ला पाएं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है ट्रिग्नोमेट्री का, देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री, राइट। अब आपको एक बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एंड रिमेंबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, दिस इज ऑल्सो 1। तो यहां पर एक कंसेप्ट बनाने वाली बात आती है कि अगर इन दोनों एंगल का सम, रिमेंबर इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो देखिए कैंसिल हो गया, तो हमेशा रिजल्ट मिलेगा 1। अब यहां पर ध्यान दें, जैसे साइन स्क्वायर 5 है, साइन स्क्वायर 10 है, साइन स्क्वायर 15 है, साइन स्क्वायर 85 है, साइन स्क्वायर 90 है, राइट। अगर हम देखें तो 5 से 100, पहले तो टोटल हम फैक्टर समझें कितने होंगे, तो देखिए स्टार्ट कहां से हुआ, 5 से 90 तक, तो 18 फैक्टर होंगे। तो मैं साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 को एक साथ लिखूं, सिमिलरली साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 को एक साथ लिखूं, ऐसे ही चलते चलते मैं आपको बोलूंगा बस एक ही ऐसा है साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 जिसके पेयर नहीं बनेंगे, बाकी सबके बनेंगे। इसके पहले वाला पेयर क्या होगा बताइए, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, राइट। पर इसके साथ पेयर नहीं बनेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है 18 है, मतलब 9 पेयर बन गए। अब 9 में ये 8 पेयर का सम तो 1 हुआ, तो 1 8 टाइम साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो स्क्वायर 1/2 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये 1 हो गया, तो 9 प्लस 1/2 मीन्स 18 प्लस 1 19/2, या देखिए ये लिखा हुआ है 18 प्लस 1 19/2, राइट। तो हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड में अप्रोच होगा कि जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं कौन से रिलेटेड, ये सब जगह हेल्प करेगा। कुछ टॉपिक, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहां ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं आते,
बट मैं जो आपको पोर्शन कवर करवाऊंगा, नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्री, हर तरह के टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। 15 से 30 मिनट का सेशन रहेगा, पर ये सेशन आपके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट ला देगा कि आप कोई भी क्वेश्चंस को बहुत क्विकली सॉल्व कर पाएंगे, साथ में रिविजन्स भी हम करते हुए चलेंगे। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 35 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x + 1 अपॉन y। क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, आपसे वैल्यू पूछिए x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई की। तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी है, केवल एक्स वाई की बात बचती है। अब आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है। अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इस फॉर्म में सॉल्व करने का फायदा यह है कि हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू, जैसे ये 35 हुआ, ये x प्लस वाई 5 का क्यूब, दिस इज 125 माइनस 3xy इंटू 5, राइट। ये कितना हो गया, ये हो गया 50। अब आपको देखिए क्या निकालना है, 35 इक्वल टू 125 माइनस 15xy। इसका मतलब ये हुआ कि 15xy इक्वल टू 125 मेंटली सॉल्व कर सकते हो, माइनस 35 मीन्स 15xy इक्वल टू 90, तो xy इक्वल टू 6, xy की जगह 6 रख दें तो आंसर हो गया 5/6। बिल्कुल बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूले होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हम फॉर्मूले को कब किस ढंग से यूज करते हैं। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला कैसे बना है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, और इसमें से अगर मैं 3ab कॉमन ले लूं तो देखिए a प्लस बी मिला। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना चाहूं तो वो होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब जैसे ही क्वेश्चन आया, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर सारे एल्जेब्रिक फॉर्मूले का रिविजन कर लें। यही एक तरीका पढ़ने का होता है। आप हर बार टॉपिक पढ़ते जाते हैं फिर भी कमांड नहीं आता, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस को कम करते हैं। मैं बोलूंगा कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन करें और उसके थ्रू टॉपिक और थ्योरी पढ़ेंगे तो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन भी बनेंगे और टॉपिक पे भी आपका कमांड आता जाएगा। तो यहां पे सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से जो जो एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं वो सारे रिवाइज कर लें, अपने आप आपको क्वेश्चन बनने लगेगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।